चलो मान लेते हैं यूक्रेन में इंसान बसते हैं और फलिस्तीन, सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान में क्या इंसान नहीं बसते थे। दरअसल आपके इंसानियत को कोढ़ हो चुका है, उसका इलाज करा लीजिए। पिछले 28 सालों में अमेरिकी के 3 राष्ट्रपति बुश, क्लिंटन और ओबामा ने 9 देशों में जंग शुरू की और अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना, सूडान, लीबिया, सीरिया, यमन और फलिस्तीन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार डाला। लेकिन यूक्रेन पर पुतिन के हमले ने अमेरिका के कयादत वाली पश्चिमी ताकत को चौंका दिया, क्योंकि यूरोप में जंग फिर वापस आ गई है। दुनिया ने ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे सख्त पाबंदी पुतिन के रूस पर लगा दी, लेकिन इस बार इसका यूरोप पर उल्टा असर होगा। पाबंदियों का असर सिर्फ रूस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमतों में 110 से 150 डॉलर या 200 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ोतरी की वजह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अमेरिका और यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेगी, विकास धीमा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। पुतिन ने यूरोप में जंग शुरू करके तथाकथित उद्धार विश्व व्यवस्था के नारा वाले अमेरिका यूरोप का अफ्रीका और मध्य पूर्व में पिछले 40 सालों के जंग, मौत और विनाश का खात्मा कर दिया। कल चीन ने अमेरिका से यह कहा है कि यूक्रेन में तेल डालकर आग न लगाए और दुनिया में स्थिरता और अमन को डिस्टर्ब न करे। यूरोप के चमन के फूल की खुशबुएं और यूरोप का दौर खत्म हुआ। अब पुतिन की तरह यूरोप को भी पता नहीं है कि यूक्रेन संकट का अंत कैसे होगा। अगर यूरोप के हालात थोड़े से और बिगड़े और जंग अगर किसी दूसरे देश में पहुंची तो एशिया, अफ्रीका के लोग यूरोप से भाग निकलेंगे और अपनी सेवाएं अपने मुल्कों में देंगे। इसका भी फायदा एशिया के देशों को होगा और यूरोप को इसका नुकसान होगा। कितने ताज्जुब की बात है, यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी मानवाधिकार की बातें करने लगे हैं। जिन्होंने खुद के हाथों से लाखों करोड़ों लोगों का खून बहा दिया, अब इनका खात्मा होने वाला है। यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा है और वह सबसे बेहतरीन कारसाज है। उससे बड़ी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता और उसके आगे सब प्लानिंग फेल है। आप देख रहे हैं SD24।